महाराज जन्म लेते ही वन की ओर चले। सुखदेव भगवान मां के गर्भ से निकले इस शर्त पूर्व में लगाकर कि आप मुझे रोकोगे नहीं। देखिए ऐसा भी कोई ऋषि यहां आया है कि जन्म से पहले उसने इस शर्त लगा ली कि आपके कहने से मैं जन्म तो ले रहा हूं मां, लेकिन मुझे रोकना मत, मैं रुकूंगा नहीं। जो जन्म से पहले संन्यास जिसने ग्रहण कर लिया, ऐसा दुर्लभ उदाहरण कहीं नहीं है। जन्म से पहले संन्यास ग्रहण जिन्होंने कर लिया है, जो जन्म इसलिए लिया कि मैं अपना संन्यासी हो सकूं, मैं उन भूले भटकों को दिशा दे सकूं, मैं उस सृष्टि के कल्याण का कोई एक कारण बन सकूं, जो इसलिए जन्म ले रहा है, सुखदेव मां के गर्भ से निकलकर वन की ओर चले। तो सुखदेव जब वन में जा रहे हैं तो सरोवर में स्वर्ग की अप्सराएं, नाग कन्याएं, सुंदर स्त्रियां स्नान कर रही हैं नग्न अवस्था में। लेकिन जैसे ही सुखदेव वहां से निकले तो वो वहां से दौड़ी जैसे कोई प्राण निकल के जा रहा है कि ये हमारे हाथ से ना निकल जाए, ये कुछ बड़ी महनीय चीज जा रही है। वृथा गदम तस्य नरस्य जीवनम इदम भस्मांतम शरीरम, उसका जीवन व्यर्थ गया, बेकार का है, हीन है, उसमें कुछ पढ़ने पढ़ाने देखने दिखाने लायक, कुछ कहने सुनने लायक कुछ नहीं है। वृथा गदम तस्य नरस्य जीवनम इदम भस्मांतम शरीरम, अंत में एक भस्म बन के रह जाएगा, एक पोटली बना के बहा दिया जाएगा, राख बन जाएगा। कि यदि तो उसने अपने जीवन में अपने गुरु की चरण धूलि को माथे पर नहीं सजाया है। यह सुखदेव और रंभा के संवाद हैं कि जो अप्सराएं स्वर्ग में रहती हैं, जो बड़ा सुंदर अपना श्रृंगार करती हैं, जो अपने केशों को संवारने के लिए न जाने कितने तरीके के उबटन लगाती हैं, धूल लगाती हैं कि इनमें सुगंधित हो जाए, आज उन्हें सुखदेव के चरण रज माथे पे सजा के ऐसा लग रहा है कि ऐसा पहले सुंदर टका हमने कभी बोध नहीं किया, इतनी सुंदर हम पहले नहीं लगे जितना आज लग रहे हैं। आपस में अप्सराएं चिंता कर रही हैं कि ये क्या था जो हमारे हमने स्पर्श किया और हम अभिभूत हो गए, आनंद की तरंगें हमारे शरीर में दौड़ चली। वृथा गदम, ये जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ में जा रहा था, इससे पहले हमारा इतना सुंदर श्रृंगार करने का जो भाव था वो सब बेकार ही रहा, कुछ भी नहीं हमारे हाथ में। लेकिन जैसे ही वहां वेद व्यास आए उसके बाद, तो वो अप्सराएं जो बाहर खड़ी थीं, वेद व्यास को देख के वापस पानी में भागने लगी कि हम अपने शरीर को छुपा लें, इसे कोई देख न ले। कोई शिलापट के पीछे चली गई, शिलाखंड में जाके छुप गई, कोई हरितिमा के पीछे छुप गई, किसी ने स्वयं को छुपा लिया। तो वेदव्यास को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी मेरा 16 वर्ष का बेटा यहां से गया तो उसके सामने आप नग्न अवस्था में बाहर आ गई, और जब मैं वृद्ध यहां से निकल रहा हूं तो आप अपने शरीर को ढक रही हो, छुपा रही हो, बांध रही हो। तो रंभा बोली कि उनकी दृष्टि में हमें ऐसा नहीं लगा कि वो हमें देख रहे हैं। जब हम उनके सामने पहुंचे तो हमें एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी दृष्टि हमारे शरीर पर है, वो हमारे अंदर कुछ देख रहे थे। और जब हम आपको देख रहे हैं तो आपको लग रहा है हमें कि आप हमारे शरीर को देखना चाहते हैं।
देखने वाले को भी आपकी दृष्टि का ज्ञान हो जाता है कि आप इस समय सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आपका भाव मित्रता वाला है या चतुराई वाला है। तो रम्बा ने कहा कि आपकी दृष्टि से हमें ऐसा लग रहा है आप हमारे शरीर को देख रहे हैं, और जब सुखदेव जा रहे थे तो हमें लग रहा था वो हमारे अंदर बैठे परमात्मा को देख रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि महापुरुष बैठे हैं, वो वायुमंडल की शुद्धि का यज्ञ कर रहे हैं, जल शुद्धि का यज्ञ कर रहे हैं, मन आत्मा की शुद्धि का यज्ञ कर रहे हैं, वो सृष्टि के कल्याण के लिए बैठे हुए जैव विज्ञानी हैं, वो शोध करने वाले ऋषि मुनि महापुरुष वहां बैठे हैं। रावण ने ताड़का से कहा था कि तू उन बाबाजियों को मत मारना, उन साधुओं को मत मारना जो लड़ुआ पूड़ी खाते हैं, तू उन्हें मारना जो शोध कर रहे हैं, तू विश्वामित्र पे हमला करना जो वहां ऐसा शोध कर रहे हैं जो राम को हथियार दे देंगे कल और जो मुझे हरा देगा, तू उन भोले भाले साधु संन्यासियों पे हमला मत करना, तुझे वो शोध करने वाले उन वैज्ञानिक साधुओं को मारना है जो कल उन्हें राम के लिए मेरे युद्ध में राम के सहायक न बन जाएं। तू उनकी सोच को बहुत हरा कर देना, तू राजा को और वैज्ञानिक ऋषियों को मिलने मत देना, नहीं तो वो नई रचनाएं कर देंगे। ताड़का ने कभी भोले भाले साधुओं पर हमला नहीं किया, उन्होंने कहा उनकी बुद्धि को मारना जहां ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि एकमात्र ज्ञान है जिसके आने के बाद कोई दूसरी चीज चाहिए नहीं आपको। परीक्षित को मारने के लिए श्रृंगी को कोई हथियार तलवार बंदूक तोप नहीं उठानी पड़ी थी, एक चुल्लू जल उसने लिया और छोड़ दिया, सातवें दिन तो परीक्षित को जाना पड़ा। तो ऐसे वैज्ञानिक संत वहां बैठे हैं, 88,000 ऋषि मुनि महापुरुष उस प्रांगण में एकत्रित हो गए हैं, और जब आपका संकल्प शुद्ध होता है, सृष्टि कल्याण का कोई संकल्प आपके अंदर होता है कि सृष्टि का कल्याण करना है, स्वयं का कल्याण करना है, स्वयं के कल्याण का भी भाव जैसे ही आपके अंदर आता है, कोई सच्चा उद्देश्य आपको मिल जाता है, तत्क्षण आपके पास गुरु चला आता है, कोई संत ऋषि मुनि, कोई अच्छी पुस्तक, कोई विचार चला आता है, कोई भाव चला आता है आपकी तरफ खिंचा हुआ, सच्चा संकल्प होते ही। और जैसे ही नैमिषारण्य में उन संतों ने एक साथ ऐसा सोचा, समूह का एक फल है, समूह का एक अलग फल है, कुंभ जो 12 साल में आता है, और जब सारे ऋषि मुनि महापुरुष महनीय महामंडलेश्वर नागा अखाड़ों के महातपस्वी एकत्रित होते हैं, और जब एक स्वर में उस नारायण को याद किया जाता है, तो धमक उस बैकुंठ की चौखट पर पहुंचती है।